नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पोशोप इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। पोशोप इंजेक्शन का मुख्य उपयोग सीवियर फंगल इन्फेक्शन यानी कि गंभीर फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस इंजेक्शन के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह इंजेक्शन कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इस इंजेक्शन के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस इंजेक्शन से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एबॉट लिमिटेड कंपनी की 16.7 ml की यह वाइल आपको 6,000 रुपये में डॉक्टर के पर्ची पर मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी। बात करते हैं इस इंजेक्शन में मौजूद कंटेंट के बारे में। पोशोप इंजेक्शन में पोसाकोनाजोल IP 3000 mg पर 16.7 ml यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद पोसाकोनाजोल यह एक एंटी फंगल दवा है। यह फंगस के विकास को रोकता है और स्किन इन्फेक्शन का इलाज करता है। बात करते हैं इस इंजेक्शन के यूजेस की। डॉक्टर शिकन की समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही कैंडिडियासिस, मुंह में फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या और साथ ही म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस इंजेक्शन से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस इंजेक्शन में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट्स महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस इंजेक्शन से आपको डायरिया, मिचलियाना, बुखार, उल्टी, सिर दर्द, खांसी और खून में पोटेशियम का लेवल घट जाना यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस इंजेक्शन में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करिए ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंटरेक्शन ना हो। यदि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। यदि आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। यह इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले और बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें और साथ ही यह इंजेक्शन इस्तेमाल करने के बाद ड्राइविंग ना करें और साथ ही इस इंजेक्शन को घर पर इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। बात करते हैं इस इंजेक्शन के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस इंजेक्शन का डोज अलग हो सकता है। इसलिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें, इसे बिना डॉक्टर के सलाह के इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।